हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बात से बहुत अच्छे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे जो नया केज बनाया उसके लिए दरवाज़ा कैसे बनाते हैं, वही आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैंने पहले से कुछ तैयार करके रखा है, 3-4 मैंने पहले से बना के रखा है, और ये कैसे बनाया वो भी आज आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि मैं सिंगल दरवाज़ा कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको सिंगल डोर कैसे काटते वही दिखाऊंगा, और डबल डोर कैसे काटते वो किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। यहाँ से काट के जो डबल डोर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो या एक दो वीडियो के बाद में जब डबल डोर करना पड़ेगा ज़रूरत होगा तब वे आप लोगों को दिखा देंगे कि डबल डोर कैसे बनाते हैं। तो पहले से मैं बताऊँ कि मेरा जो डोर बनाया था, केज का डोर काटा था, वो 6 इंची का था और साइड से 6.5 इंच का हुआ, इसलिए हमें केज दरवाज़ा बनाना पड़ा 7 इंची से 6.5 इंची और 7 इंची के इस हिसाब से के दरवाज़ा बनाना पड़ा। इसलिए देख सकते हैं सर मैंने पहले से बना लिया, और यहाँ पर ये मैंने एक नेट का जाली का पीस काट के ले आया हूँ, इससे मुझे बाकी जो दरवाज़ा करना पड़ेगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर ये मेरा GI तार देख सकते हैं, ये GI है, ये GI तार से ही मैं बनाऊंगा। मैंने पहले से इसको छोटा साइज़ में काट के रखा और इससे ही मैं बनाऊँगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले मैं ये वाले केज से मैं यहाँ से 6.5 इंच करके 2 हिस्से में बांट लेंगे और यहाँ से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो पहले मैं ये काट लूँ और तो उसके बाद आपको दिखा देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मैं नेट को कैसे काटना है, वो तो ऐसे ऐसे करके आपको काटना होगा, एक को रख के एक को छोड़ना होगा। क्योंकि आपको जो दरवाजे के साइड में जो GI का वायर लगाएंगे उसको मोड़ने के लिए, अटकने के लिए इसको आपको ये ऐसा वाला ऐसे करके काटना पड़ेगा, नहीं तो आप ये मोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप जब काटेंगे तो ऐसा करके ही काटना। अब देख सकते हैं ये से चारों तरफ से ऐसे ही काटा है हमने, और चारों तरफ से क्योंकि मुड़ना है इसलिए हम ऐसे ही काटेंगे। तो पहले ये सारे नेट को काट के आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने ये एक पीस काट लिया है बड़े वाले नेट से, यहाँ पर से एक छोटा पीस काट लिया, वो जो मैंने नाप बताया था 6.5 इंची का और 7 इंची का, और वैसे ही माप के काट लिया। मेरे पास एक पहले से काटा था, उसमें मैं नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि इसके एक साइड में ऐसा देख सकती है लॉक करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको रख दिया। बाद में किसी तरह इसको लगा देंगे, इसलिए अभी नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग जब करेंगे तो ऐसा करके हर तरफ से ऐसा क्लिप रख देना, तार को छोड़ के काटना, नहीं तो आप लोग अच्छे से नहीं बना पाएंगे। देख सकते इस वाले में चारों तरफ से है, और अभी मैंने GI तार को भी अच्छे से सब कुछ कर लिया, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो ध्यान से देखना क्योंकि आपको भी बनाना है बाद में। देखिए ये मेरा जो पीस काटा था वो यहाँ पर है, और मैंने इसे अच्छे से ऐसे सब कुछ स्ट्रेट कर लिया, जो थोड़ा राउंड राउंड टाइप था उसे भी स्ट्रेट कर लिया। अभी कैसे बनाते हैं वो देखिए। मैंने ये सो GI तार का जो बंडल था यहाँ से एक GI तार निकाल के लेंगे, तो यहाँ पर एक GI तार मैंने ले लिया, देख सकते एक ऐसा थोड़ा बहुत मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं GI तार मैंने लिया है। और लेके किसी क्योंकि स्क्वायर है इसलिए आपका जो केज के दरवाजे के साइड जिस तरफ को ये केज के साथ अटैच होगा, जिस तरफ से केज के साथ लगा रहेगा उस तरफ आपको इसके इस GI तार के एंड को रखना होगा, सिर को रखना होगा ऐसे करके। तो आप देख सकते ऐसे मैंने ऐसे करके रखा, ऐसे थोड़ा यह बस थोड़ा ज़्यादा करके रखना होगा क्योंकि यही आपको मोड़ देना है, ठीक है। जब केज में जब अगर लगाएंगे तो इसको भी मोड़ देना, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा करके रख देना, ठीक है। आपको जितना ज़रूरत होगा आप उतना ही रखना। तो पहले मैं इसको हाथ से मोड़ दिया, उसके बाद आप प्लास से अच्छी तरह से इसको
मोड़ते ना, आप जितने अच्छे से मोड़ेंगे आपका कैच उतना दौड़ अच्छा होगा, और आप जितने अच्छे से मोड़ेंगे आपका कैच उतना मजबूत होगा और उतना ज़्यादा दिन तक चलेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक मोड़ लिया और यहाँ पर एक मोड़ूंगा, ये जो सारे हैं ये इसको भी मोड़ूंगा बाद में। पहले मैं सपोर्ट के लिए इसको मोड़ रहा हूँ, थोड़ा हाथ से कर सकते हैं आप, उसके बाद लास्ट से अब फाइनल मोड़ देना। आपके पास अगर बॉक्स प्लास होंगे जो जो प्लास का ये सार थोड़ा पतला होता है, आप उससे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे। मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास एक था, मैंने एक फ्रेंड के घर में बनाने के वक्त तो गिर गया कहीं पे, अभी मेरे पास अभी नहीं है। तब देख लिया मैंने यहाँ पर एक मोड़ दिया और इसको भी मैं मोड़ देता हूँ अभी ऐसे तैसे करके, बाद में अच्छी तरह से मोड़ देंगे। अब लोग जब मोड़ेंगे तो अच्छे से मोड़ देना, मैं भी मोड़ दूंगा। अभी मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे ही मोड़ रहा हूँ। तो मैंने देखा जो यहाँ पर सिर पर जो अच्छे से मोड़ा, आप भी वहाँ से मोड़ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो एंड होता है उससे थोड़ा ज़्यादा करके मोड़ना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे मोड़ना है आपको, ऐसे पकड़ के ऐसे करके आपको मोड़ लेना है। ठीक है, देख सकते मैंने मोड़ लिया, और ये सारे जो तार है इसको भी आपको मोड़ देना है, लेकिन प्लास से पकड़ के आपको ये सारे के वही मोड़ देना है। प्लास से पकड़ के ऐसे सेट से नहीं मोड़ना, थोड़ा पीछे ला के जो वायर निकाला हुआ है उसको मिडिल से आपको मोड़ देना है। ठीक है, आप हर एक जो वायर निकला हुआ है सबको मोड़ दे मिडिल पोजीशन से, मिडिल देख सकते मैंने सारे को मोड़ दिया। अभी इसको फाइनल मोड़ देता हूँ, आप लोग भी इसे ऐसे मोड़ देना। ठीक है, मैंने ये थोड़ा गैप रख के मोड़ा क्योंकि मेरा जो जी आई था वो थोड़ा ज़्यादा रह गया था वहाँ, इसलिए मैंने थोड़ा गैप रख के मोड़ा। अब चाहेंगे तो इस वायर के इस साइड वाले जो वायर निकला हुआ है यहाँ पर से इसको थोड़ा गैप ना रख के एक ही साथ मोड़ सकते हैं, जो कोई मसला नहीं होगा आपको, वो भी अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा है बहुत। आप ऐसा कर सकते हैं, देखेंगे तो आप, मैंने सारे पहले जो बनाया उसमें भी ऐसा था थोड़ा थोड़ा करके गैप रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बना रहा हूँ इसलिए मैं इस लोग इस तरफ देख अच्छे से, मैं जैसे मोड़ता हूँ आप लोग भी वैसे मोड़ देना तो आपका डोर भी बहुत अच्छा होगा मेरी तरह। ठीक है, और आपका आवाज़ ये सब घर में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते, मैं आप लोगों को सही टिप्स दे दूंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये कॉर्नर भी मोड़ लेना है, और आप देख सकते ये वाला जो मेरा एक ही साथ पास ला के मोड़ा है, दोनों तक गैप नहीं है, अंदर इस तरफ गैप है, और इस तरफ भी आपको गैप नहीं रखना, एक साथ ही एक साथ लेके मोड़ देना है। ठीक है, पहले की तरह दो को पहले से हिल रहा है, दो को मैं पहले ज़्यादा अच्छे से मोड़ लूँगा। अभी मोड़ दिया अच्छे से, और यहाँ पर भी एक को मोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो आखिरी वाला सारा रहेगा मैं इसको अभी अच्छे से नहीं मोड़ूंगा, आप घर में जब करेंगे तो आप भी सारे वाले को अच्छे से मोड़ लेना, क्योंकि आप जितना अच्छे से मोड़ेंगे आपका कैच उतना ज़्यादा दिन अच्छा रहेगा और आप बहुत ज़्यादा मजबूत भी होंगे। ठीक है,
देखिए मैंने सौंप दिया है। मैंने जो दिया लिया था वो तो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको काटूँगा, प्लस से ही काटूँगा। इस तरफ जो आप जितना लिया था छोड़ के, अब इस तरफ को भी आपको उतना छोड़ के देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वायर है ये वायर ही हमने केज के साथ अटैच करना होगा। तो आप देख सकते इस तरह हमने कुछ नहीं रखा, ये जो सारा एंड है इसको आप अपने केज में अटक कैसे लगाएंगे वो भी दिखा देंगे। तो चलिए मैं इसको काट देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा रख के काटूँगा ऊपर की तरफ से। अभी काट दिया, देख सकते ये जो है अभी पूरा तैयार हो गया। ठीक है, और ऐसे करके कर सकते हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए कैसे लगाते हैं अभी। आप पहले से मेरा जो किया हुआ था अच्छे तरह से मुड़ा हुआ साड़ी को वो लेके वही ले, देख सकती है वाला जो है वो सारे अच्छी तरह से मुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप हर एक। तो इसे हम ले जाएंगे और केस में कैसे अटैच करेंगे वो भी आपको थोड़ा दिखा देंगे। तो चलिए घर में जाके दिखाते हैं। देखिए हम अभी आ गए हैं हमारे केस में, और यहाँ पर मैंने जो दिखाया था ये वाला दरवाज़ा है, और यहाँ पर भी है, और सारे दरवाज़ा मैंने काट लिए, देख सकते हैं, और सारे गैप दिख रहा है आप लोगों को। और अभी आप यहाँ पर से भी देख लीजिए, ये सारा दरवाज़ा हमने काट लिया, और ये ले आया एक मैंने जो बनाया उससे एक ले आया। और आप किस तरह से लगाएंगे आप दिखाऊंगा आपको, मैं मोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, मेरा भाई नहीं है मेरे साथ जो मैं हेल्प करता है अभी वीडियो करने में, वो नहीं है, इसलिए मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको नहीं दिखा सकूँ सही से। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने का जो इस वाले केस में आपको लगा के दिखाता हूँ, हो सके तो आप केस को ऐसे लेना, आपका आप अगर इस तरह आपका डोर को ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह आपका जो शेर काटा था हमने उसको डालना पड़ेगा। और आप इस तरह आपका दरवाज़ा लगाना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो आपको उस तरह आप लगाना पड़ेगा। अब देख सकते हो ये जो है ये अभी सही से नहीं दिख रहा लाइट के वजह से, तो दिखाता हूँ कब लाइट आता है अच्छी तरह से, शायद यह बार लाइट आ जाए अच्छी तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लाइट है, यहाँ पर लाइट है। तो देखिए आप एक को छोड़ के हमने जो यहाँ पर एंड मुड़ा हुआ है आखिर में, यहाँ पर जो जी आई तार दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो आखिर जी आई तार दिया हुआ है, आप यहाँ हर एक दरवाजे के एंड पर एक जी आई तार हमने दिया हुआ है, जो मैंने दिखाया था पहले वीडियो में ऐसे ही हर एक केच के एंड पे दिया हुआ है और दिखा है। और ऐसे जो हमने बनाया उसको केच के एक जो जी आई तार हमने लगाया हम आप लोग उसमें भी लगा सकते हैं, और एक को छोड़ के भी ऐसे देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर आपको ये जी आई तार मोड़ देंगे और नीचे आपका जी आई तार अच्छे से मोड़ देंगे, तो ये आपका केच के दरवाज़ा हो जाएगा। अब जब चाहे इसको खोल सकते हैं ऐसे और ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि केच का लॉक कैसे बनाते हैं, और मैंने बताया कि और एक वीडियो में आप लोग डबल डोर कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। ठीक है, और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा कोने में उसे भी दबा देना, क्योंकि मैं नया वीडियो जब डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये देखिए लास्ट में एक दिखा दूँ, ये मेरा रेम्बो बजरी का एक प्यार है, ये अभी एक दिया, ये वह प्यार मैंने कुछ दिन पहले लिए थे एक दोस्त से। ठीक है, देख लीजिए, और ये है मेरा नया केच जो बनाया था, और इधर भी एक बनाऊंगा कुछ दिन बाद। ठीक है, पहले इसमें पूरा सेटअप कर लूँ, उसके बाद इस तरफ तो मेरा कॉकटेल का सारा प्यार है,
इसको मैं दूसरे घर में शिफ्ट कर दूंगा और इस तरफ सारे भी वो मेरा फिंस का सेटअप बनाऊंगा, ठीक है।